फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। माय सब्जेक्ट इज ग्रामर फॉर स्टैंडर्ड फोर्थ। एंड मैं आपको जो ग्रामर में कुछ रूल्स बताए थे प्रोटो बनाने के लिए, एंड मैं आपको और भी बता रही हूँ। थ्री बता चुकी हूँ, ये फोर एंड फाइव है। ओके, एंड फोर मोस्ट एंडिंग इन एफ और एफ ई, वी फॉर्म द प्लूरल बाय चेंजिंग एफ एफ ई इन टू वी ई एस। ओके, सो कुछ नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट में एफ या एफ ई होता है। ओके, तो उन्हें जब हम प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं, उन्हें चेंज करने के लिए एफ और वी एफ ई को रिप्लेस करेंगे वी ई एस कर देंगे। ओके, इसको रिमूव कर देंगे। देखो, लुक एट दिस, यहां मैंने लिखा है एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल सी ए एल एफ। ओके, सो यहां पर एफ है तो एफ हटा देंगे, एंड एफ की जगह पर क्या कर देंगे, ये मैंने बताया है ना वीई एस, एफ को रिमूव करने के बाद वीई एस को ऐड करेंगे। ओके, रिप्लेस कर दिया एफ या एफ ई कुछ भी हो। एंड नेक्स्ट है हाफ एच ए एल एफ, तो इसमें भी सेम करना है, एच ए एल एफ को रिमूव कर देंगे, यहां क्या आएगा वीई एस एच ए एल वीई एस। ओके, तो एफ किसमें चेंज हो जाएगा वीई एस में। नेक्स्ट बफेलो, वी यू डबल एफ ए एल ओ, दिख लिया हमें सेम। मोस्ट नाउन एंडिंग इन ओ, कुछ नाउन जो होते ज्यादा नाउन ओ पर जो एंड होते हैं यानी कि खत्म होते हैं, फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस, तो हमें उनका फॉर्म चेंज करने के लिए प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, इनमें ई एस एड करेंगे। सेम वही लिख देंगे सब कुछ, जैसे यहाँ पर बफेलो तो हमने बफेलो लिख दिया, बस यहाँ पर ई एस एड करना है। ओके, कुछ भी रिमूव नहीं करना है। ओके, एंड मैंगो, मैंगो लिखा है ना तो मैंगो भी लिख देंगे एंड ई एस एड कर देंगे। ओके, एंड मैंने यहाँ बताया था ना एफ है तो ई एस एफ बना दिया। अब अगर लास्ट में एफ ही है तो क्या करेंगे, तो भी एफ ई को रिमूव कर देंगे यानी कि एफ ई को हटा देंगे और क्या लिख देंगे एफ डब्ल्यू आई वीई एस। ओके, एंड अब मैं आपको होमवर्क दूंगी। मैंने आपको होमवर्क में 10 वर्ड्स दिए हैं प्लूरल बनाने के लिए, जो रूल्स मैंने आपको आज पढ़ाए हैं उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ये प्लूरल बनाने। ओके, पोटैटो लास्ट में ओ है ना तो क्या करोगे ई एस एड करोगे, एंड वॉल्फ लास्ट में एफ है तो क्या करना है एफ को रिमूव करके यानी कि एफ को हटा के ई एस एड करना है। ओके, आई होप आप बड़े अच्छे से इसको कर सकते हो क्योंकि बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्टी है नहीं इसमें। सो आप होमवर्क इतना अपना नोट कर लो, एंड क्लास रूम में मैंने जो रूल्स लिखा है वो भी नोट कर लेना। ओके, थैंक यू।